रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाल्लाह एकदम दिल से वालेकुम सलाम सुनकर बहुत खुशी होती है और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस भी हमें इसी तरह से दिल से वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वबरकत तो कहते होंगे इसलिए कि सलाम करने वाला भी मोहताज है दुआओं का और सलाम लेने वाले भी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारी बात शुरू होती है अल्लाह की सना से आज हम फिर उसी सबक को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों का इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर और आपको अगर याद है कि पिछले सबक में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे दोस्त की आदतें हमें पसंद आ जाती है तो हम उसके शिकार हो जाते हैं या हम उसके आदि हो जाते हैं और ख़ास करके जो कॉलेज लाइफ होती है ना इब्तदा बिगिनिंग ऑफ द कॉलेज लाइफ यहाँ पे दोस्ती चेंज हो जाती है मैं बताता हूँ कैसे जब आप लोग स्कूल में आठ साल दस साल अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है बाल कटाकर क्यों नहीं आए नखून क्यों नहीं काटे सीधा बैठो इधर उधर रखड़ो मत होमवर्क किया बुक कंप्लीट है हैंड राइटिंग कैसी है कपड़े की स्त्री है कि नहीं है एक टीचर बिचारी बेबी सीटिंग कर रही है हम सब लोगों की और वहाँ पर एक डिसिप्लिन का माहौल होता है क्लास के बाहर क्यों गए किसको पूछ के गए क्यों रखड़ते हो आपको क्लास के बाहर घूमने की नौबत ही नहीं आती आप स्कूल में बैठे हैं एक डिसिप्लिन के माहौल में है और सीनियर के जी से लेकर टेंथ ग्रेड तक या कुछ मुल्क में ट्वेल्थ ग्रेड तक बिल्कुल स्कूल का माहौल होता है तब तक आप 16 साल 17 साल की उम्र तक पहुंच जाते हो और उसके बाद जैसे ही आपने कॉलेज में दाखिला लिया माहौल एकदम चेंज आप क्लासरूम में बैठो या कैंटीन में बैठो कोई आपको पूछेगा नहीं आप घूमो मॉल में जाओ या कॉलेज में आओ कौन पूछेगा कोई नहीं पूछेगा आप सिगरेट पियो कोई नहीं पूछेगा अब फिल्में देखो अब गर्लफ्रेंड्स रखो कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा पता चला कॉलेज में आने के बाद थोड़ी सी आज़ादी हो जाती है और कुछ लोग इस आज़ादी की खुशबू को फेफड़े में इतना ले लेते हैं कि फिर आज़ादी शौक़ की ग़ुलामी में तब्दील हो जाती है आज़ादी शौक़ के ग़ुलामी में तब्दील हो जाती है इसलिए कि अब जिंदगी का रुख बदल गया अब दोस्त बदल गए स्टाइल बदल गई कॉलेज में हर किस्म के दोस्त होते हैं आपके और अलग अलग स्कूलों में से आते हैं ना कुछ पैसे वाले बच्चे होते हैं जब स्कूल में आते हैं यूनिफॉर्म पहन के आते हैं स्कूलों में तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है लेकिन यहाँ पे आईफोन लेकर पहले ही दिन जैसे आप कॉलेज में गए कोई आईफोन लेके घूम रहा है कोई बड़ी गाड़ी में आ रहा है ड्राइवर के साथ और आप देखते हैं हम मिडिल क्लास के लड़के हैं हमारे पास तो बस के भी पैसे नहीं हम रिक्शा में भी नहीं आ सकते हैं दो जोड़ी कपड़े हैं रोज धो दो कर उसी को इस्त्री करके पहनने का और ये तो देखो तो कभी कभी ये हवा दिमाग तक पहुंच जाती है कभी कभी बच्चे ना शुक्रे हो जाते हैं स्टूडेंट और उन्हें पसंद नहीं होता है कि ये क्या हमारी ज़िंदगी है इनकी ज़िंदगी देखो तो जब दूर से हम चमक दमक देखते हैं कॉलेज की ज़िंदगी में पैसे वाले बच्चों में शोहरत वाले बच्चों में कोई फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है कोई क्रिकेटर का बेटा है इस तरह की बड़ी बड़ी हस्तियाँ कॉलेज में आती हैं जब हम इनको देखते हैं तो अपनी ज़िंदगी हमें बहुत मामूली सी महसूस होती है और ये साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी है कि आपको पसंद नहीं आएगा कि हमको क्या मिला है। उस वक्त आपके ईमान का इम्तिहान है ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में जिन लोगों को हमने चमक दमक दी है आयत नंबर वन थर्टी वन जिन लोगों को हमने दुनिया में चमक दमक दी है उनकी चमक दमक देखकर कर अपनी आंखों को अंधी मत कर देना यह चीज हमने उनको आजमाने के लिए दिया है और तुम्हें नहीं दिया है तो तुम्हारी आजमाइश है लेकिन कॉलेज का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं जैसे मैंने पिछले सबक में कहा था पीयर प्रेशर जब मैं कॉलेज में था ना तो अगर कोई लड़के लड़की का अफेयर होता था तो पूरे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है गर्ल फ्रेंड नहीं है तो किस जमाने में आए हो तुम भाई पच्चीस साल पुराने हो तो पूरा उल्टा हो गया फिल्मों के असरा और मीडिया के असरा टीवी सीरियल के असरा ने हम सब लोगों को उल्टा कर दिया हमारी सोच उल्टी हो गई हमारी चॉइस उल्टी हो गई और हमारी जिंदगी की स्टाइल उल्टी हो गई तो दोस्तों से लोग आदतें लेते हैं एक स्टाइल का एक एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा सा मजा आएगा आपको हमारे ज़माने में कॉलेज में इम्पोर्टेड सिगरेट्स उस जमाने में बहुत कम रहती थी आज तो मिल जाती है और उस वक्त मैल बोरो करके एक सिगरेट आती थी मैल बोरो हालाँकि सिगरेट फेफड़े के लिए बहुत ख़राब है और अक्सर मौत जो होती है लोगों की बगैर एक्सीडेंट की उस सिगरेट की वजह से होती है उस जमाने में भी सिगरेट का शौक नया नया था इतनी आम नहीं थी जितने बच्चे लोग आज पीते हैं तो उस जमाने में कोई कि सिगरेट पीता था तो स्टाइलिश माना जाता था आ हा हाहा और अगर फॉरेन की सिगरेट वाह तो लोग देखते थे आप कौन सी सिगरेट पीते हैं यानी कुछ फ्रेंड सर्कल्स कॉलेजों में ऐसे होते थे कि आपकी सिगरेट का ब्रांड देखकर आपसे दोस्ती करेंगे अरे ये तो यार चालू सिगरेट पीता है ये तो कड़का इसके बाद पैसा ही नहीं होगा इसके साथ क्या दोस्ती करने का अच्छी महंगी फॉरेन की सिगरेट होगी तो तो क्या करते थे कुछ लोग मतलब दोस्तों के साथ यू नो रहने के लिए कि भाई हम भी इनके साथ रहेंगे तो हम भी बड़े होंगे लोग हमारा भी शुमार बड़ों में करेंगे हालांकि गरीब होते हैं लेकिन कभी कभी दोस्तों की यारी में ऐसे आदमी हो जाता है कि हम भी उनके जैसे बन के दिखे जैसे कि एक कौवा था और वो जब भी देखता था मयूर को जो ना पीकॉक को मोर को तो सोचता था इनके पंख कैसे हमारे देखो कैसे हम तो काले हैं तो एक दिन कहीं से मोर के पंख लेकर आ गए उसने अपनी दुम में डाल दिया मोर के साथ पीकॉक के साथ वो रहने लगा तो भगा दिया ये क्या अजीब जानवर है आधा कौवा आधा पीकॉक भाग यहाँ से और जब वो अपने कौवों के पास गया तो उन्होंने भी भगा दिया बड़ा अजीब है ये तो कौवा ही नहीं तो कभी कभी जब आदमी जो नहीं होता है वो बनने का शौक रखता है ना तो कभी कभी उल्टे हो जाते हैं और ऐसा ही शौक़ हमारे जमाने में था कॉलेज के बच्चों में कुछ लड़कों को हवा लग गई थी कि हम भी जो है बड़े बन के घूमें वो इंपोर्टेड ब्रांडेड सिगरेट्स उस जमाने में ब्रांडेड सिगरेट्स आती थी तो ऐसे घूमते थे बाजार में कहीं कोई फॉरेन सिगरेट का बॉक्स मिल गया तो उसे ले लेते थे और जेब में रखते थे ऐसा और सिगरेट का नाम ऐसे दिखता था सिगरेट और अंदर इंडियन सिगरेट तो लोग सोचे आ हा ये तो येड सिगरेट पीता है इस तरह से लोग झूठे शौक और झूठी चमक दमक दिखाकर अपने आप को बड़ा बनाते थे आज हालात चेंज हो गए हैं आज लोग झूठा शौक नहीं दिखाते टुडे पीपल वांट टू बी अपियर रिचर लोग अपने आप को ज्यादा पैसा वाला दिखाने के शौक रखते हैं पैसा नहीं होते लेकिन शौक रखते हैं कुछ बच्चे इसीलिए माँ बाप के पैसे भी चोरी करते हैं कपड़े बदलने गए दरवाज़ा बंद किया आप आगे जेब में से सौ रुपया उठा के जेब में डाल दिया रोज़ पचास रुपया सौ रुपया माजअल्ला हालांकि चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है और माँ बाप का पैसा चोरी करना आप माँ बाप को धोखा देते हो जिन्होंने आपको बड़ा किया जिन्होंने आपके पैसे पैसे खर्च किए और उन्हीं को आप धोखा देते हो तो ये धोखेबाजी अच्छी बात नहीं होती तो इस तरह से माँ बाप का पैसा चोरी करते हैं कभी कभी दोस्तों के पैसा चोरी करते गलत आदत के शिकार इसलिए होते हैं कि सोसाइटी में ये चाहते हैं कि हम बड़े और पैसे वाले दिखे सेकेंड हैंड जीन्स लेकर आते कहते ब्रांडेड जीन्स हैं अगर आप अखबारों में पढ़ेंगे बच्चे मोटरसाइकिल्स भी चोरियाँ करते हैं अजीब है क्यों कॉलेज में ले जाने के लिए हमारे बम्बई में एक दफा पुलिस ने कुछ बच्चों को पकड़े ये मोटरसाइकिलें चोरी करते थे पूछा क्यों हम कॉलेज में जो है दिखाना चाहते थे कि हमारे पास बहुत सारे मोटरसाइकिल्स हैं हम बहुत पैसे वाले के बच्चे हैं क्या हो गया नतीजा ये हो गया कि जेल के सलाखों के पीछे चले गए करियर फिनिश हो गया बाहर आने के बाद कौन उनका भरोसा करेगा अरे ये तो जेल में जाता है तो चोर है जिंदगी पर थप्पा लग जाता है अगर आपने अपने दोस्तों के अंदर कोई गलत शौक देख लिया और आपके अंदर आ गया आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, हो सकती है आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है और बड़े अफसोस की बात है कि हमारी हिस्ट्री टीचर हमारी मैथ्स टीचर हमारी इंग्लिश टीचर ये सब थोड़ी सिखाती है हमको वो तो बेचारी आती है उसको पोर्शन कंप्लीट करना है वो शी हैज़ टू कंप्लीट द पोर्शन वो पढ़ा लिखा अगर चली जाएगी उसका काम खत्म हो गया आपको ग्रेड ए मिल गए मुबारक हो आप फेल हो गए हमारा क्या कसूर लेकिन जब हम इस्लाम की तालीम लेते हैं तो ये सारी चीज़ें सीखने मिलती है अच्छी क्या बुरी क्या इसीलिए कुरान का एक टाइटल क्या है फुर्क़ान समथिंग द डिस्टिंग जो तफरका करती है सच और झूठ में अच्छाई और बुराई में उसको फुरकान कहते हैं इसीलिए हर सबक में तकरीबन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इनवाइट करूंगा कि आप लोग कुरान का मुताला करते रहिए कीप स्टडिंग द कुरान ज़िंदगी में तब्दीली आएगी फिर आपको पता चलेगा ये दोस्त अच्छा है ये शौक़ अच्छा है कि नहीं है उसके बाद जब आप शीशे में देखोगे अपने आप को खूबसूरत पाओगे अलहमदिल्ला ने हमें जैसे भी बनाया उस तरीके से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी शौक़ देख कर जिनकी आदत देख कर हमारे अंदर भी वो आदत आ सकती है जैसे कि गालियाँ देना स्लैंग लैंग्वेज नुक्कड़ लैंग्वेज अब ये क्या करता है अब इधर आ तो यानी एकदम बदतमीज़ जबान एकदम बदतमीज़ी से पेश आते लोग और बड़ा अजीब लगता है जब आदमी इस तरह से बात करता है मिसाल के तौर पर आप सोचिए आपने अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने और आप ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं बड़े अच्छे गाड़ी में से आप उतरे अच्छी पर्सनैलिटी है है ना सफ़ेद कपड़े गाड़ी से उतरे आह और इधर आ फिनिश इंप्रेशन आपका डाउन हो गया ख़त्म हो गया बदतमीज़ी आ गई आपकी जबान से तो दोस्तों के साथ रहकर लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारी जबान भी ख़राब हो गई और ऐसे दोस्त कभी कभी स्क्रीन पर भी आ जाते हैं पते फिल्मों के एक्टर्स आ जाते हैं गुंडों की तरह बातें करते हैं आप भी सोचते हैं हाँ अच्छी स्टाइल है यार हम भी ऐसे स्टाइल में बात करेंगे अगर घर का कोई बड़ा आदमी टोकता नहीं है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं हमारे यहाँ तो माहौल फिर भी ठीक है शायद चौंक जाएंगे आप कि यूरोप और अमेरिका में रशिया में माहौल बहुत ख़राब है टीन के लिए एक अखबार में मैंने पढ़ा था लंडन के कुछ गलियों में और मॉस्को शहर के कुछ गलियों में कर्फ्यू होता है रात को आठ बजे के बाद तेरह और अठारह साल के बच्चों को बगैर माँ बाप का इस गलियों में गुजरना मना है क्यों इसलिए कि ये शरारती हैं किसी के शीशा तोड़ देते हैं किसी की गाड़ी का टायर पंक्चर करके भाग जाते हैं बड़ी अजीब और गरीब शरारतें एकदम शैतानी शरारतें करते हैं ये बच्चे हमारे यहाँ माहौल फिर भी अच्छा अलहमद लाला अगर आप किसी से मिलोगे आपने सलाम नहीं किया तो कोई टोकेगा तुमने तो सलाम नहीं किया है क्या नहीं लेकिन वहाँ तो, तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ इस्लामी तहजीब है दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं अपने बाप को इडियट कहते लोग एक फैमिली के साथ बैठा था मैं यूरोप से आए हुए थे और उनके अब्बा को एड्रेस नहीं मिल रहा था ये लोग पहले पहुंच गए तो बेटा फ़ोन पे बात करते डैडी वर आर यू हाउ स्टूपिट है अरे अब्बा को स्टूपिट कह दिया तो वो माहौल बड़ा गंदा माहौल है दिखता खूबसूरत चमक दमक वाला फिल्मी माहौल शौक वाला स्टाइलिश माहौल लेकिन जिंदगी के एतबार से थड़कला से खोखला है ना उनमें खुशियाँ हैं ना उनमें कोई एक्चुअली चमक दमक है ना सुकून है जिंदगी ऐसी ही गुजरती है अपने यहाँ माहौल थोड़ा सा फिर भी ठीक है अलहमद लाला वहाँ पर क्या होता है बच्चे बिगड़ते हैं क्यों बिगड़ते हैं गलत दोस्त कैसे मिलते हैं इनके वहाँ डिवॉर्स बहुत होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में तो डिवॉर्स हो जाते हैं तो माँ अपने बच्चों को लेकर चली जाती है अब ये बेचारी काम पे जाती है बच्चे अकेले घर पे रहते हैं बोर हो जाते हैं तो फेसबुक पे जाकर किसी से अनाप शनाप दोस्ती कर लेते हैं पड़ोसी में कोई कैसा है कोई शराबी दोस्त है कोई सिगरेट वाला दोस्त है कोई गाली बोलने वाला दोस्त है कोई चोरी करता है तो ये आदतें लग जाती है अपने नहीं अलहमदल्ला हमारा उर्दू दा हिंदी दा माहौल इतना ख़राब नहीं है पड़ोसी भी थोड़ी सी फिक्र करते हैं बच्चा अकेला होता है तो क्या करते हो माँ बाप से शिकायत करते हैं आपका बच्चा सिगरेट पी रहा था उधर तो उस एतबार से अल्लाह का शुक्र है लेकिन यहाँ ख़तरा कम हो गया ऐसा मत सोचिए आप आप भी कॉलेज जा रहे हो और आपके क्लासेस में न जाने कैसे बच्चे होंगे कौन किस दुनिया से आया है कौन कैसी आदतें लेकर आया यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दोस्तों के साथ रहना टाइम गुजारना अच्छी बात है अगर आप अच्छे काम के लिए गुजारते हो एक वक्त ऐसा था बम्बई की स्कूलों में नाइन्थ और टेंथ स्टैंडर्ड यानी नाइन्थ और टेंथ ग्रेड जो आखिरी आखिरी साल होते हैं स्कूल का उसमें बच्चे कंपटीशन करते थे पढ़ने में मैं स्कूल में फर्स्ट आऊँगा वो होता है मैं फर्स्ट आऊँगा तो दोस्ती हो जाती थी अच्छे अच्छे पढ़ने वालों की आपस में एक दूसरे की साथ में बैठ के पढ़ते थे और यकीन आज पच्चीस साल के बाद देखता हूँ तो उनमें से कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है टॉप पोस्ट पर पहुँच गए कोई प्रोफेसर है बस ये उम्र या बिगड़ने की होती है या बनने की होती है जब आप कॉलेज में जाते हो अगर आपने दो चार अच्छे दोस्त रख लिए ज़्यादा नहीं कोई लंगार नहीं होनी चाहिए फौज दोस्तों की के नवाब की तरह आप चल रहे हो पीछे पीछे दोस्त आ रहे हैं या कोई दोस्त नवाब की तरह चल रहा है कॉलेज की गलियों में और आप पीछे पीछे चमचों की तरह चल रहे हो डोंट बी ए चमचा अपनी शनाख रखो अपनी आइडेंटिटी रखो अपने असूल रखो अपने मॉरल्स रखो तो देखिए अच्छे अच्छे लोग आपके साथ दोस्ती करने के लिए तड़पते हैं लोग कहेंगे हमसे इनसे दोस्ती करनी इंट्रोडक्शन कराते हो क्या आपके कैरेक्टर के ऊपर दोस्ती होती है आपके अखलाक के ऊपर दोस्ती होती है यस क्या जी हाँ अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं तो यू शुड कैरी इस्लाम अलॉन्ग विद यू क्या हो गया उसमें और आप देखोगे आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे जो नमाजी होंगे बहुत सारे बच्चे कॉलेज में ऐसे होते हैं कि कॉलेज में जाने से पहले स्कूल लाइफ में वैकेशन में ये बेनमाजी होते हैं लेकिन कॉलेज में एक बच्चा है सब जीन्स पहन के आए हुए हैं मोटरसाइकिलों पे आते हैं कैंटीन में पैसे उड़ाते हैं माँ बाप का लेकिन एक बच्चा नमाजी है वो नमाज के वक्त कॉलेज के बाजू की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ के आ जाता है जुम्मे के दिन भी पहुँच जाता है और आपने उनको देखा आपने दुआ सलाम की आपकी दोस्ती हो गई धीरे धीरे आपके अंदर भी वो आदतें आ जाती हैं उसी तरीके से आप अगर नमाजी हैं आपके किरदार अच्छे हैं आप नज़रों के हिजाब का अहमाम करते हैं और आप कॉलेज में अगर जाते हो भले आप देखो मत बाकी के बच्चे क्या करते हैं पैसा क्रेडिट कार्ड मोटरसाइकिल्स अरे जाने दो अल्लाह का शुक्रिया अदा है कि मैं नमाजी हूँ तो आप अपने कैरेक्टर को खराब मत करो आपको देख कर आपके दोस्त नमाज पढ़ना शुरू कर लेंगे कहाँ जाते हो चलो नमाज पढ़ने के लिए चलो धीरे धीरे आपको दो चार अच्छे दोस्त मिलेंगे वो आपके साथ रहकर नमाजी बन जाएंगे वो नमाज पढ़ते रहेगा आपसे लंबी जिंदगी होगी आप अपनी कब्र में चले गए उसकी नमाज का सवाब भी आपको मिलेगा ये है दोस्त ये है कॉलेज लाइफ का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा कि आपने अगर अच्छी चीज़ें फैलाई इतर की तरफ तो लोगों को अच्छी खुशबू आएगी वरना कचरा तो कचरा हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैंने कहा कि आमतौर पर लोग आदतों का शिकार हो जाते हैं अब होता यह है कि कॉलेज में अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं कुछ बच्चे अकेडेमिशियन होते हैं जिसको स्टूडियस कहते हैं इनका फोकस सिर्फ करियर पे होता है कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जो फोकस तवज्जो सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है कि भाई हम करियर बनाएंगे हम शहरत हासिल करेंगे और एक तबका ऐसा होता है जो मॉडरेट होता है पढ़ता भी है अखलाक भी अच्छे रखता है स्पोर्ट्स भी अच्छा करता है दे आर गुड तो आपको अपने अंदर ऐसी आदतें रखनी चाहिए बिटवीन किसी भी चीज़ के अंदर फैनेटिकली पीछे मत जाइए आप भले साइंस में हो मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हो स्पोर्ट्स सेल्थ होनी चाहिए ऐसे दोस्तों के अंदर आप रहेंगे तो आपका फायदा होगा और कभी कभी क्या होता है दोस्तों के अंदर एक और चीज़ें आती है के दोस्तों के अंदर गिबत की आदत होती है और मजाक उड़ाने की आदत होती है आपने देखी होगी खास करके नुक्कड़ में और कॉलेज के नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे पांच छह बच्चे और जो नए बच्चे आते हैं उनका रैगिंग करते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं अल्लाह तबारक तला का इर्शाद है गुजरात तो में कि किसी का मजाक मत उड़ाओ हो सकता है वो शख्स तुमसे अच्छा हो किसी का मजाक मत उड़ाओ और ये किसी का मजाक उड़ाना किसी को नीचा दिखाना किसी को गिराना यह पता है ये फिरौन की आदत थी का मजाक उड़ाता था अपनी महफिल में अल्लाह ने उसे कहा कि ये तकबर करता है तो किसी का मजाक उड़ाते हैं आप दोस्तों के साथ खड़े रहकर तो वो तकबर की अलामत है तकबर किसे कहते हैं अपने आप को बड़ा समझना अच्छा समझना और किसी को हकीर समझना नीचा समझना अपने से इसको तकबर कहते हैं तो फ्रेंड सर्कल में ये खतरा है कि आप लोगों का मजाक उड़ाते हो आप सोचते हैं इनोसेंट मजाक है इनोसेंट मस्ती करते हैं इनोसेंट नहीं होती है किसी का दिल तोड़ना किसी का इंसल्ट करना इसको आप इनोसेंस कह ही नहीं सकते हो आपने किसी का मजाक उड़ा इनोसेंस क्या है इसमें भाई हाँ अलबत्त हल्की फुल्की मजाक हो जिसमें किसी की बेइज्जती ना हो जिसमें झूठ ना हो जिसमें कोई वलगैरिटी ना हो ऑबसिनिटी ना हो बदतमीजी ना हो उस किस्म का मजाक आपस में आप कर सकते हो हिब्बत भी होती है किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना या कोई बात फैला देना चुगली करना कुरान ने इन चीजों को बुरा कहा है दिज आर ऑल बैड थिंग और इसके जरिए आपकी आखिरत भी खराब होती है आपके कैरेक्टर खराब हो जाता है नो बडी लाइक्स यू एक इमेज बन जाती है कि यार ये जब भी आता है तब ये शिकायत करता है सब लोगों की गिबतें करता है पीपल विल स्टॉप लाइकिंग यू और लोगों को ऐसे लोग पसंद भी नहीं होते रोते हुए लोग शिकायत खोर ही खोर लोगों की बुराई करो जब देखो तब तो वो ऐसा है वो ऐसा है वो प्रोफेसर ऐसा है वो क्लर्क ऐसा है वो कैंटीन ऐसी है उस समूह से खराब है उसको हर चीज में बुराई नजर आती है क्या होता है उसके कैरेक्टर का हिस्सा हो जाता है उसके सोचने का हिस्सा हो जाता है नतीजा यह होता है कि जिंदगी भर वो आदत बन जाती है आप डॉक्टर बन गए एम हो गए आप इंजीनियर बन गए आप बिजनेसमैन बन गए आपने गाड़ी खरीद ली लेकिन वो एटीट्यूड आपके अंदर आ चुका है अब वो आदत आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है चुनान्च आप ऑफिस में जाएंगे तो लोगों की आप शादी करके ससुराल में जाएंगे तो लोगों की तो एक जिंदगी की आदत ऐसी बन गई उससे पीछा छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आदतें कहाँ से आई वही दोस्ती यारी में ठीक है दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं अच्छे होते हैं बुरे होते हैं लेकिन हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि हम जो है उससे बॉदर नहीं होते हम उसको हटाते हैं किसी की असलाह करते हैं किसी को करेक्ट करते हैं हम उसके शिकार नहीं होते हैं एक बड़े मियाँ थे मैंने उनसे एक बार पूछा और ये उन दोनों की बात है जब मैंने दाढ़ी भी नई नई रखी थी और दीन सीखने का शौक मेरा नया नया था लेकिन आसपास में इतनी बुराइयां इतनी बुराइयां देख रहा हूं मैं कि मुझे डर लगता था कि मैं करूंगा कैसे मैं टिकूंगा कैसे डिफिकल्ट है कॉलेज में भी जाना और लोग जो है हंसी मजाक फिल्में बड़ा अजीब माहौल है तो ईमान जो है कभी कभी कमज़ोर महसूस होता था तो एक बुजुर्ग थे मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ होता है और शायद आप लोगों को भी ये सवाल चुभता हो कि क्या करें हम अभी अभी कुरान पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ते हैं रमज़ान अभी अभी गया है ईमान एकदम ताज़ा मजबूत है लेकिन जब कॉलेज में जाएंगे दोस्तों में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है उन्होंने मुझे क्या कहा उन्होंने मुझे बताया कमल लोटस आता है लोटस कमल का फूल आता है वो कीचड़ में होता है बता देखो वो कमल लोटस सफ़ेद है साफ सुथरा है कीचड़ में है लेकिन अपनी सफ़ेदी वैसी ही है ठीक उसी तरीके से तुम भी अपने आप को बचा सकते हो बुराइयों के मोहल्ले में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे जो शिर का अड्डा था एक ज़माने में और साहबा के राम जो महाजिर साहबी थे जो मक्की साहबी थे जिनका मकाम बहुत बड़ा है ये साहबा कराम इनका ईमान मजबूत हुआ मक्की दौर में तो हालात कैसे भी हो गए आपके मोहल्ले में आपके क्लास में बच्चे गंदे हो गए गंदी जबान होगी आपके कॉलेज का कल्चर कैसा भी होगा कोशिश करना आपके अंदर तकवा होना चाहिए तकवा किसको कहते हैं निकी करते करते अपने आप को बुराई से बचाना इसको कहते हैं तकवा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक शख्स सोचता है मैं नमाज तो पढ़ता हूं मैं मुत्तकी हूं मैं कुरान पढ़ता हूं नो 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 आपको बुराई से भी बचना है मिसाल के तौर पे आपके पास पैसे हैं आपने खर्च कर दिए तो खत्म हो जाएंगे उसी तरीके से करने से नेकी खत्म हो सकती है तो आप सोचते हैं मैं नेकी करता हूं, तो मुझे थोड़ी सी इजाजत मिल गई गुनाह करने की नमाज पढ़ी आज तो मैंने तहज्जुद पढ़ी आज मैं फजर पढ़े चलो एक फिल्म देख सकता हूँ नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि जब हम कॉलेज में रहते हैं तो माहौल कैसा भी हो हम बदलेंगे नहीं मुसलमान का जो बच्चा होता है कॉलेज में भी एक मुस्लिम अच्छा बच्चा होता है एक दाई होता है और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं कि इनके अंदर इस्लाम था भले वो बड़े स्कॉलर नहीं होंगे इस्लाम जानते हैं तकबा इख्तियार करते हैं कॉलेज में दीन फैलाते हैं इनके साथ इनके सोबत में रह कर लोग इस्लाम का इंट्रोडक्शन पाते हैं इनके कैरेक्टर देखकर अभी तो इन्होंने कोई कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू भी नहीं किया है लेकिन ज़िंदगी में इस्लाम है और मैंने कहा था ना कि इस्लाम आज अवेलेबल है फेसबुक पे है व्हाट्सएप पे है लाइब्रेरियों में है इस्लाम हर जगह पे है नहीं है तो हमारे कैरेक्टर में नहीं है हमारी लाइफ में नहीं है बाकी सब जगह पे इस्लाम मिल जाता है तो कॉलेज आपको मौका देगा कि आप वहाँ जाकर इस्लाम की बातें कर सकते हो अच्छे मुस्लिम रहकर आपके क्लास में कोई गरीब बच्चा है अगर आपके पास पैसे है तो आप उसकी फ़ीस भर दो उसको किताब दिला दो उसकी माँ बीमार है अगर अब्बा के पास कुछ पैसे हैं तो आप इसके इलाज का पैसा दिला दो इस तरह से यू कैन रियली डू वंडरफुल थिंग्स इन कॉलेज और अच्छे दोस्त मिल सकते हैं और आपकी जिंदगी बनते जाएगी आपका कैरेक्टर को एक बड़ा अच्छा कलर एक अच्छा शेप मिल जाएगा इसी के साथ ये क्लास हम खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर भी और दिलचस्प बातों के साथ हम आपके सामने पेश होंगे और साथ ही साथ ये दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक तोफ़ीकतः फरमाएं व आखिर अलैकुम ورحمه الله وبركاته